नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। इसके मुताबिक 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये एक बहुपद हमें दिया है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5 बटा 3 और माइनस रूट 5 बटा 3 है। यानी देखिए, इसकी पावर 4 है, सबसे बड़ी घात 4 है। इसका मतलब इसके 4 शून्य होने चाहिए, उनमें से दो शून्य हमें दिए हुए हैं रूट 5 बटा 3 और माइनस रूट 5 बटा 3, बाकी दोनों हमने निकालने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, px लिखा और इसके दो शून्य दिए थे तो दोनों शून्य मैंने लिख दिया x बराबर रूट 5 बटा 3 और x बराबर माइनस रूट 5 बटा 3। ये रूट 5 बटा 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर के इधर बच गया 0, जैसा कि यहां मैंने किया। प्लस 5 रूट 5 बटा 3 उधर गया, माइनस रूट 5 बटा 3 बन गया, बराबर 0। और इसी प्रकार से ये माइनस रूट 5 बटा 3 है, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, बराबर 0। इन दोनों इक्वेशनों को आपस में गुना कर दो, x माइनस रूट 5 बटा 3 और x प्लस रूट 5 बटा 3, 0 गुना 0 राइट साइड पे हो जाएगा 0। ये फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस बी, बी है रूट 5 बटा 3 इसका स्क्वायर, बराबर 0। x का स्क्वायर रहा x स्क्वायर माइनस रूट 5 बटा 3 का स्क्वायर बन गया 5 बटा 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5 बटा 3 बराबर 0। इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3, 3 को 1 से भाग किया, देखिए जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 को 1 से भाग किया तो 3, 3 को x स्क्वायर से गुना किया 3x स्क्वायर माइनस 3 को 3 से भाग किया 1, 1 गुना 5 5 बराबर 0। ये 3 इधर भाग हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 0 गुना 3 हो गया 0, यहां बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। इससे हमें ये पता चला जो गुणन जो शून्यक होते हैं या जो गुणनफल होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो आपस में गुना होते हैं, तो इसको और इसको गुना करने से 3x स्क्वायर माइनस 5 आया। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है ये इसका गुणनफल है, गुणनखंड है। इसका मतलब जब हम इस पूरे इस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को जब 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग करेंगे तो हमें बाकी दोनों शून्य मिल जाने चाहिए, यही हमने लिखा। अतः 3x स्क्वायर माइनस 5 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं पी एक्स को 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग कर देते हैं। अब ये भाग हमने शुरू करनी है, यहाँ पे 3x की पावर 4, ये पूरा मैंने बहुपद लिखा और यहां लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5। सबसे जो पहला स्टेप है, आप ये मत देखना मैंने क्या किया, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है पहले पद को पहले पद से भाग, 3x की पावर 4 को 3x स्क्वायर से भाग किया, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2x से 2x कट जाएंगे, 2x बच जाएंगे, यानी x स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर, वो x स्क्वायर मैंने लिखा यहां। अब ये x स्क्वायर पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, x स्क्वायर जब 3x स्क्वायर से गुना होगा तो बन जाएगा 3x की पावर 4, x स्क्वायर जब माइनस 5 से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, इसीलिए मैंने x स्क्वायर वाली के नीचे ही x स्क्वायर लिखा, यहां नहीं लिखा, इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने से 3x प्लस 4 वाली रकम माइनस 3x की पावर 4 से कट जाएगी, 6x क्यूब यहां है उसको नीचे उतारा, यहां बन गया माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस किए 3, साथ में बड़ी रकम का निशान प्लस, ऊपर से उतारा माइनस 10x माइनस 5। अब फिर से 6x की पावर 3 पहले पद को पहले पद से भाग किया, 3 के पहाड़े में 6 गया 2 पे, 2x से 1x, 2x कट जाए 1x बच गया, तो एक 2 बच गया एक x बच गया, यानी 2x बच गया, ये प्लस 2x मैंने यहां लिखा। अब ये प्लस 2x पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, 2x 3x स्क्वायर से गुना होगा, 3 दुनी 6, एक्स स्क्वायर को x से गुना किया x क्यूब x की पावर 3, उसके बाद माइनस 5 से जब 2x को गुना किया तो माइनस 5 गुना 2 माइनस 10, साथ में x, ये आ गया माइनस 10x। अगला काम करने से पहले साइन चेंज कर दिए, इसका भी साइन चेंज कर दिया, तो 3x स्क्वायर नीचे उतारा, प्लस 6x क्यूब से माइनस 6x क्यूब कट गया था, माइनस 10x से प्लस 10x कट गया, यहां से उतारा 3x स्क्वायर, यहां से उतारा माइनस 5। अब पहला पद है 3x स्क्वायर और यहां पे है पहला पद 3x स्क्वायर,
तीन एक्स स्क्वेयर से तीन एक्स स्क्वेयर कट गया, बाकी बचा एक, ये प्लस वन यहां लिखा, वन को तीन एक्स स्क्वेयर से गुना किया तीन एक्स स्क्वेयर, वन को माइनस फाइव से गुना किया माइनस फाइव, अगले स्टेप में साइन चेंज करने के बाद ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास शेषफल बच गया जीरो। खैर शेषफल जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है ये भागफल, एक्स स्क्वेयर प्लस दो एक्स प्लस एक। इसका मतलब पी एक्स किसके बराबर है, तीन एक्स स्क्वेयर माइनस पांच, जो कि हमारे पास सबसे पहले आया था। देखो ये तीन एक्स स्क्वेयर माइनस पांच, इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस दो एक्स प्लस एक से। अब ये जो है इसके तो गुणनखंड हमने पहले ही हमें पता ही थे, माइनस पांच रूट पांच बटा तीन और पांच बटा तीन रूट पांच बटा तीन, ये जो हमारे पास आया इसके गुणनखंड हम निकालेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस दो एक्स प्लस एक। इसके जब हमने गुणनखंड निकाले, या पहले कर चुके हैं, वन एक्स स्क्वेयर वन इंटू वन होता है, वन इंटू वन होता है वन, वन के फैक्टर होंगे वन एक्स प्लस वन एक्स, पहली रकम ऐसी आखिरी रकम ऐसी, दो एक्स की जगह मैंने जोड़ा लिया वन और वन वाला, तो दोनों के साथ वन एक्स और वन एक्स, एक्स कॉमन यहां से एक्स प्लस एक्स बाहर चला गया बाकी रह गया वन, इन दोनों में से वन कॉमन बाकी बच गया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कॉमन था, यहां से बचा था एक्स और यहां से बचा था प्लस वन एक्स प्लस वन, तो ये बन गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। इसका मतलब या ये जीरो या ये जीरो, या एक्स प्लस वन बराबर जीरो या एक्स प्लस वन बराबर जीरो। वन इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन बन गया, वन इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस वन बन गया। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर माइनस वन। तो इसका अर्थ यह है कि दो शून्यक तो हमें दिए हुए थे रूट पांच बटा तीन और माइनस रूट पांच बटा तीन। इस इक्वेशन के पूरा काम करने के बाद, देखो कितना लंबा यह सम है, पूरा काम करने के बाद अंत में x बराबर माइनस एक और x बराबर माइनस एक, यानी हमारे पास दो शून्य को और आ गए माइनस एक और माइनस एक। तो इस प्रकार से दो वैल्यूज ये और दो वैल्यूज ये टोटल चार वैल्यूज, चार शून्य इस इक्वेशन के हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है मैं जानता हूं, अगर आपको समझ ना आए तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट कर करके देखेगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलकर हमने इस प्रश्न का अंत किया है। धन्यवाद।